क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें हमें दिया है गिवन द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन। हमें y की वैल्यू 3 दे रखी है, इसके लिए हमें ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, यानी कि इसे लाइन पर या फिर ग्राफ पर इसे शो करना है y को। और इसमें दो पार्ट्स हैं, ठीक है, इन वन वेरिएबल यानी कि अकेला y वेरिएबल हो तब किस तरह से शो किया जाएगा, और अगर दो वेरिएबल हो, y हो एक वेरिएबल और y के अलावा भी कोई वेरिएबल हो तो कैसे शो किया जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट देखते हैं वन वेरिएबल में y इक्वल्स टू 3 किस तरह से शो किया जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस पर आप स्केल रख लीजिए, एक पॉइंट को मार्क कर दीजिए 0, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेते हुए इस तरफ 1, इस तरफ 2, आगे 3 और आगे 4, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई माइनस की वैल्यू हो तो माइनस में भी रख सकते हैं, -1 और ऐसे आ जाएगा -2। हमें शो करना है y इक्वल्स टू 3, सो 3 इसमें कहां पर आ रहा है, यहां पर, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, ठीक है, वन वेरिएबल के लिए हमारा हो जाएगा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ये। अब देखते हैं सेकंड, इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल यहां पर क्या है, 2 है, ठीक है, सेकंड यहां पर बात करूंगा मैं सेकंड की। सो सेकंड में वेरिएबल, एक तो हमें वाई दिया गया है, एक अपने आप से मान लेते हैं कि एक्स वेरिएबल होगा। वाई की वैल्यू तो हमें दे रखी है 3, ठीक है, वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3, लेकिन एक्स की वैल्यू, जो एक और वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमें नहीं दी गई है। अगर वैल्यू नहीं दी गई है तो समझ लेना है कि हमें जो वैल्यू है, जो वेरिएबल सेकंड है, उसकी वैल्यू होगी 0, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। अब इसे इस ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दो वेरिएबल की जो है उसे हमें दो एक्सिस चाहिएंगी, एक तो x एक्सिस और एक y एक्सिस। सो इस पर किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा ये देखते हैं। y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। x की वैल्यू 0 तो ये वाला पॉइंट होगा सेंटर पॉइंट बिल्कुल, और y की वैल्यू 3 यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, 0 और 3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, जो आपको रेड या पिंक जो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट का नाम लिख देंगे, x की वैल्यू पहले यानी कि 0 और उसके बाद y की वैल्यू 3, ठीक है, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट। और लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, लाइन ड्रॉ करना चाहें तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, 3-0 है तो इसके बिल्कुल इस तरह से एक लाइन आ जाएगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, ये जो लाइन आई है हमारी, ये क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये दोनों तरह से रिप्रेजेंटेशन हो गई y इक्वल्स टू 3 सिंगल वेरिएबल में। अगर वन वेरिएबल है तो ये रिप्रेजेंटेशन, अगर दो वेरिएबल है तो ये ग्राफ वाली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है।